हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 के बारे में। सो क्यों बेस्ट है और ग्राउंड रियलिटी जानेंगे हम कि इस कोर्स को करना कितना बेनिफिशियल है। आप 2.5 लाख रुपए फीस खर्च कर रहे हैं तो कितना बेनिफिशियल है। तो मैंने बहुत सारे लोग जो HDFC का प्रोग्राम करके बैंक में पोस्टेड है उनसे मैंने बात की थी, तो उन्हीं के फीडबैक पे मैं ये ग्राउंड रियलिटी की वीडियो बना रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या बेनिफिशियल है ये कोर्स, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जॉब हमें कैसी मिलेगी, क्या टारगेट प्रेशर रहेगा, है ना। बहुत सारे लोगों की क्वायरीज रहती हैं, तो इस वीडियो में HDFC बैंक को लेकर बहुत सारी क्वायरीज सॉल्व होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 बाई यू नो वेरी वेल कि यार मणिपाल अकेडमी कराता है, मणिपाल, ठीक है, ग्लोबल लगाते हैं, ठीक है, मणिपाल ग्लोबल अकेडमी। इसको BFSI, बेस्ट BFSI का अवार्ड है इनके पास, तो बेस्ट BFSI बोलते हैं, ठीक है, मणिपाल अकेडमी कराता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब सिंपल सा थोड़ा कोर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, जैसे कि आपका 4 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, 4 मंथ्स क्लासरूम ठीक है, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 मंथ्स इंटर्नशिप, और उसके बाद आपका जो 6 मंथ बचते हैं वो होता है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग, अब 4 मंथ जो क्लासरूम होता है, ट्रेनिंग जो होता है वो आपका होता है, क्लासरूम का मतलब ही आप समझिए कि ऑफलाइन होगा, तो मतलब आपको मणिपाल एकेडमी जाना होगा, कह सकते हैं बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन। अब जो 2 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब कुछ आपको सैलरी टाइप अमाउंट मिलता है जो भी एकेडमी डिसाइड करता है, लोकेशन वाइज होता है, ठीक है। अब आपको OJT में भी आपको सैलरी मिल जाती है 24,000 से लेकर 26,000, डिपेंड ऑन लोकेशन। ये तो हो गई फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में HDFC का, ठीक है। अब 4 मंथ में आपको आपको गेस्ट लेक्चर मिल जाते हैं, गेस्ट लेक्चर हो गया, आपका रोल प्ले होता है, नोट्स वगैरह, मतलब वही जो सिंपली एक स्टडी होती है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं ये है एक डिप्लोमा है ना, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, इन बैंकिंग सेक्टर, PGDB, किसी HDFC बैंक का है, HDFC बैंक का। अब इसको करने के बाद सबसे पहले ये जानिए, ठीक है, ये आप जानिए कि इसको करने के बाद आपको DM1 की पोस्ट मिलती है, ठीक है, जिसमें कि आपका CTC अगर हम बात करें तो 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक होता है, डिपेंड ऑन लोकेशन, दोनों में लोकेशन मैटर करता है, ठीक है, लोकेशन। अब पर्सनल बैंकर आपका वर्क प्रोफाइल है, पोस्ट तो ये रहा आपका, ग्रेड जो रहेगा ये है आपका वर्क प्रोफाइल। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या ये कोर्स करना बेस्ट रहेगा। अब हम आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे, जो कि एक्चुअल में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी, सबसे पहले आपका जो पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रांच में होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा आपको जो पोस्टिंग होगा ब्रांच में, रिटेल में आपका काम रहेगा, रिटेल्स को सीधा सीधा सेल्स, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड वर्क रहेगा, ब्रांच वर्क भी आपका रहेगा, ठीक है, फील्ड वर्क भी है, ब्रांच वर्क भी है, फील्ड में मतलब आपको आगे बताऊंगा मैं, ग्राउंड रियलिटी पहले आप जान लीजिए, आप पोस्टिंग ब्रांच में मिलेगी, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, रिटेल
सेल्स रहेगा, फील्ड वर्क, ब्रांच वर्क, ठीक है। अब ग्राउंड रियलिटी में सबसे ज्यादा आप पे क्या आएगा, न्यू यहाँ पे सेल्स का प्रेशर है। लोग बोलेंगे ऑपरेशन है, ऑपरेशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, बट यहाँ पे एक्चुअल में सेल्स करना होता है, वो भी फील्ड पे जाकर। अब फील्ड पे क्या क्या करना होता है भाई, NCA, न्यू कस्टमर एक्वाइजिशन, मतलब न्यू अकाउंट ओपन कराना, ठीक है, न्यू अकाउंट, NA, FD कराना, CC, क्रेडिट कार्ड कराना, म्यूचुअल फंड कराना, और इंश्योरेंस हो गया, और आपका बहुत सारे और भी लोन हो गए, जितने तरीके के लोन है, सब चीज़ों में आपको मोस्टली क्या करना है ना, सेल्स करना है। इसको रिटेल में, रिटेल बैंकिंग बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं बिजनेस। आपको बिजनेस करके देना है, किसको देना है भाई साहब, बैंक को, सिंपल बैंक को देना है, बट आप पोस्टेड किस में होंगे, ब्रांच में, ठीक है। पोस्ट आपको DM बन मिल जा रही है, CTC, तो इन हैंड सैलरी कितना आता है, बहुत से लोग पूछते हैं, चलिए एक कॉलम में मैं आपको बता देता हूँ। इन हैंड जो सैलरी आपका आएगा 32,000 से लेकर 35,000, अगर सेल्फ फंडेड है तो, और फिर EMI वगैरह अगर आपका जा रहा है तो आपका आएगा 28,000 से लेकर 33,000 के बीच में, अगर लोन के थ्रू आप जाते हैं तो, बिकॉज लोन फैसिलिटी आपके लिए रहता है इसमें, ठीक है। अब ग्राउंड रियलिटी में, अब ये कोर्स करना कितना बेस्ट है, देखो ये सारी चीज़ें आप समझिए, ग्राउंड रियलिटी में सबसे मेन पॉइंट है कि आपको ब्रांच में पोस्टेड होंगे और सेल्स का काम मिलेगा, सेल्स करना ही करना है, टारगेट हैवी है, प्रेशर हैवी रहेगा, ठीक है। और HDFC बैंक है, कस्टमर सेगमेंट बहुत बड़ा है इनका, तो बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, और जो न्यू है नहीं झेल पाते हैं, वो गुस्से में रिजाइन कर देते हैं, या फिर उन पर दबाव बनाया जाता है कि आपको निकाल देंगे ये सारी चीज़ें, बट इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं, आपको टाइम देते हैं कि बिजनेस को इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करो। अब अकॉर्डिंग टू मी, बैंक का अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, NBFC का है, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, मेरे अकॉर्डिंग क्या कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत से लोग पूछते हैं, यस करना चाहिए, 100% ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ सेल्स की वजह से फील्ड में भागेंगे, इस वजह से अगर आप अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, फिर भी आप फिर भटकते रहेंगे, या फिर आप कोई 10-15-20 हज़ार की जॉब में लग जाएंगे, किसी किसी का रेफरेंस के थ्रू कहीं और हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ज्वाइन करना चाहिए 100%, ठीक है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहले DM1 पोस्ट, दूसरा भाई 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक CTC नहीं देता है कोई भी, मैं MBA कर चुका हूँ, प्लेसमेंट में भी जल्दी कंपनी इतना नहीं देती है, और देते भी हैं तो भाई इतना हार्ड प्रोसीजर होता है उनका ना, हायरिंग का, 2 इंटरव्यू, 2 असेसमेंट टेस्ट, 2 बहुत सारी चीज़ें, और वो भी इंटरव्यू फेस टू फेस, इतना टिपिकल मतलब डिफिकल्ट होता है ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है। तो DM1 आपको ग्रेड मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रेड है बैंक के लिए, CTC इतना है, तो आपका 28,000 से लेकर 35,000 के बीच में सैलरी आएगा, क्यों बेस्ट है ये बता रहा हूँ। अब हाँ एक चीज़ और है ग्राउंड रियलिटी में, मैं आपको बता दूँ, आपको होम टाउन जल्दी नहीं मिलेगा, किस्मत अच्छी है तो मिल गया, अदरवाइज होम टाउन नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पैन इंडिया के लिए हायरिंग होती है, तो मतलब ओवरऑल इंडिया में कहीं भी आपको पैन इंडिया में ऑल स्टेट में, ठीक है, स्टेट्स में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको होम टाउन में मिले, होम टाउन जल्दी पॉसिबल नहीं है, ये मैंने सीधा लिख दिया, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। कहीं भी ट्रेनिंग मिल सकती है, कहीं भी आपको अब पोस्टिंग मिल सकती है। अब यहाँ पे एक कॉलम है, जब 1 साल 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, किसका, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद आपका सैलरी, जो मेन सैलरी होता है CTC 5 लाख वाला, वो अप्लाई होता है तब आपको, और मेन आपकी पोस्टिंग आफ्टर 1 ईयर ही होती है, पोस्टिंग जो होती है ना आफ्टर 1 ईयर मेन आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको लोकेशन क्या मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, लोकेशन, और लोकेशन मैंने बोला ना पैन इंडिया कहीं भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके होम टाउन में ही देंगे। ये थी ग्राउंड रियलिटी। अब ग्राउंड रियलिटी में मैंने जो पॉइंट ऐड किया था वो था सेल्स करना है आपको, ब्रांच में आप पोस्टेड रहेंगे, बहुत कम ऑपरेशंस का चांस रहते हैं, ब्रांच में आके आपको ब्रांच का बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, फील्ड में भी जाना है, बिल्कुल। अब 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जाते जाते बता दे रहा हूँ। पहला आपका NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी पोस्टिंग होगी,
दूसरा IRDA का एग्जाम, ठीक है, ये भी आपको क्लियर करना है पोस्टिंग के लिए। अब NISM का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, IRDA के लिए आप तैयारी कीजिए। आपका मे भी ट्रेनिंग में भी तैयारी कराया जाएगा, जो आपका 4 मंथ का ट्रेनिंग होगा ना बेंगलुरु में मनीपाल के थ्रू। और हाँ, एक और चीज़ लोग बोलते हैं फीस में सर, जो यूनिफॉर्म ऐड होता है, अब मैं आपको थोड़ा फीस के बारे में भी बता दूँ। HDFC का यूनिफॉर्म का, हॉस्टल का और आपकी ट्रेनिंग का, आपका ओवरऑल जो फीस है ना, फीस जो आपका जा रहा है मे बी 2.55 लाख के समथिंग या 2.5 लाख के आसपास इसी में इंक्लूड होता है। बस सिंपल, आपको अलग से कुछ नहीं देना। और बेस्ट पार्ट है, जो 4 मंथ होंगे आपके उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा वहाँ पे मे बी 5,000 के समथिंग। अब सोचिए, आपको इतना कुछ बेनिफिट दे रही है मणिपाल अकेडमी, उसमें भी DM वन पोस्ट। और फिर देखो सेल्स तो भाई किसी भी आप उसमें चले जाओ, सेल्स तो रहेगा ही रहेगा, वो पीछे नहीं छोड़ने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आपको ये ग्राउंड रियलिटी थी कि भैया सेल्स रहेगा, ब्रांच में पोस्ट होंगे, टारगेट काफ़ी रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मैनेजर सुनाएंगे, मीटिंग्स होंगी, और पूरा दिन भी फील्ड में भाग सकते हैं। हो सकता है 3:30 बजे के बाद फील्ड में भागें, वो आपके ब्रांच मैनेजर डिसाइड करेंगे। बट जितनों से मैंने अब तक पूछा है तो मुझे 90% पॉजिटिव रिव्यू मिले। किस लिए कि सर हम खाली बैठे थे, हमने कोर्स कर लिया, हमारी जॉब नहीं लग रही थी, और हमें अब एक पोस्ट मिल गया, अब हम काम करेंगे। जब हमसे होगा तो हम टिक जाएंगे, हमसे नहीं होगा तो हम खुद निकल जाएंगे। बट हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया और हमारा जो है फीस ख़राब नहीं गया, जो हमने पैसा लगाया, क्योंकि हमें DM बन की पोस्ट मिली। बाकी टारगेट प्रेशर हर जगह है, ये तो सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन जाके आप अप्लाई करिए, सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो वर्थ इट है, कर लीजिए, ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई इससे रिलेटेड क्वारीज है कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू, आप सब अपना ध्यान रखिए।